आज हम लोग गरम लावा से एक्स बनते हुए देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक थर्मोकोल का टुकड़ा लिया गया है जिसके ऊपर एक्स की पेंटिंग की गई है और ये एक्स का डिजाइन बहुत ही मस्त दिख रहा है। हमारे माइनक्राफ्ट में जो एक्स होता है वो बहुत ही सादा होता है, बट ये वाला फुल वाइकिंग वाला एक्स है और इस एक्स के दोनों बाजू धार होती है और इनसे हम ज़ॉम्बीज को एकदम फटाफट मार सकते हैं। भाई ये कटिंग मशीन तो एक दिन लाके दे यार मेरे को, ये कितना सैटिस्फाइंग है, इतना स्मूथ कट हो रहा है यार थर्मोकोल इससे। ऐसा लग रहा है क्रीम से भरे हुए केक के ऊपर हम लोग चाकू घुमा रहे हैं और वो चाकू एकदम शार्प है इसलिए स्मूथली घूम रहा है। तो एक्स की एक साइड यहाँ पर कट चुकी है और दूसरे साइड को काटने जा रहा है और वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कट चुका है। कोई बात नहीं, इतना एरर तो चलता है कि कर्व वाले डिजाइन को काटने में बहुत मुश्किल होता है। अब हैंडल और मेटल के बीच के एरिया को काटा जा रहा है। वाओ क्या परफेक्ट कट दिख रहा है यार। मैं थर्मोकोल को काट के मिट्टी के अंदर डालेगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। मुझे देखना कि वो बीच का पार्ट कैसे काटेगा। सीधे गर्मा गर्म ब्लेड को अंदर ही घुसा दिया एंड वाओ क्या मस्त पार्ट निकला यार। और ये हमारे एक्स की फाइनल डिजाइन तैयार हो चुकी है। अब लावा से ये एक्स बनाएगा। काला काला कीचड़ क्या है बे, पिछली बार इसका ब्राउन कलर का कीचड़ था, इस बार काला कीचड़ लेके आए है। भाई मुझे अभी डर लग रहा है कि दबाते दबाते वो थर्मोकोल टूट ना जाए उधर। ओके टूट गया, बस एग्जैक्टली मैंने वही सोचा था। अब इस टूटे हुए थर्मोकोल को बेचारा निकाल रहा है। पिछली बार उसने डायरेक्टली थर्मोकोल के ऊपर ही लावा डाल दिया था, बट इस बार क्योंकि थर्मोकोल टूट चुका है तो निकालना पड़ेगा। और ये रहा लावा का ब्रिक, ये असली लावा से बना हुआ है बट एक्चुअली ये कॉपर जैसा दिख रहा है और इसको अपनी गर्मा गर्म भट्टी के अंदर डालने वाला है। हाँ भाई बंद कर दो ऊपर से, ये तो पूरा आग निकल रहा है बाहर से। ये एक्चुअली वोल्केनो दिख रहा है, अपने साइंस एक्सपेरिमेंट में काम आएगा ये। एक्चुअली इसके ऊपर तवा रख के हम पूरी तल सकते हैं, फुल एकदम ब्राइट दिख रहा है। अब लावा को एक्स के अंदर डालने की बारी आ रही। छोटे छोटे बॉल्स बन गए इसके और वो बॉल्स काफी सिल्की है, बहुत स्मूथ हो रहा है और इस लावा के बुलबुले निकलने लगा है। ऐसा लग रहा है मैं डोसा बना रहा हूँ, जब हम तावी के ऊपर डोसे का वो डालते हैं तभी भी ऐसा ही आवाज आता है। शायद से वो मिट्टी ठंडी होगी, मिट्टी के अंदर पानी होगा, उस गर्मा गर्म लावा से वो पानी फुल क्या बोलते हैं वेपर बन गया और इसलिए बुलबुले निकल रहा है। अरे 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 बाहर गिर गया आराम से। अरे तो फुल शिवा का एक्स दिख रहा है। जी ब्रह्मास्त्र की याद मत दिलाओ मुझे। अब इस लावा को सूखने के लिए रखने वाला है वो, और इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्या पता 2-3 घंटे लग जाएंगे शायद इसको। टेंशन मत लो, वीडियो में 2-3 घंटे नहीं लगने वाले। तो लावा हमारा यहाँ पर सूख चुका है और फिर काली काली एक्स आई है। हाँ खड्डे में से मिट्टी निकाल ले पहले, क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है। पूरा मिट्टी से चिपक चुका है भाई, और ये पानी और ब्रश लेके धोने लगा। भाई विम बार नहीं लिया तूने, मस्त नींबू का सुगंध आता है उसमें से। और हमारी एक्स तैयार हो चुका भाई, उसने धार ही नहीं बनाया उसका एक्स का, मतलब ये सिर्फ एक मॉडल है, ये असली वाली एक्स नहीं बन सकती है, इसलिए अपना टकला फोड़ने के लिए है। ए भाई वो फुटबॉल को मारना पीछे एक बार प्लीज। हाँ कोका कोला कैन को फोड़ेगा। ए फोड़ फोड़ यार वी अच्छा फूटा है, नाइस। और एक पेप्सी का बॉटल, फुल आगे से ढक्कन निकल जाएगा। नहीं फूटा फूटा भाई, फुल फाउंटेन बन गया पेप्सी का। कोका कोला और पेप्सी मतलब पार्टी का टाइम, तो इसी खुशी में सब्सक्राइबर लाइक मार दो ठीक है। तो इस भाई ने यहाँ पर एक्स की ज्वेलरी बनाई हुई है, फुल सोने वाली एक्स है और बहुत मस्त दिख रही है। हमारे पिछले वाले एक्स में थोड़ा पोपट हो गया, लेकिन इसमें पोपट नहीं होने वाला क्योंकि मैं डायरेक्ट एंड ऑफ द वीडियो पहले देख रहा हूँ। पहले चेक कर रहा हूँ अच्छे से बना है कि नहीं, फिर पूरा वीडियो देखेंगे। ओहो iPad, देखो शो ऑफ करने के लिए डिवाइस का नाम भी रखा इसने, एप्पल iPad प्रो, और इस पे ड्रॉइंग कर रहा है। ओहो क्या मस्त ड्राइंग है बे। अच्छा एक्स की डिजाइन बना रहे हो, ये सब इतना स्मूथ कर्व कैसा बनाता है बे, ऑटोमेटिकली बनता है ये, वाओ दिस इज सो फास्ट। मैंने सुना आईपैड आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इतना भी अच्छा था मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर एक्स का डंडा और एक्स का हैंडल, और हैंडल के ऊपर यहाँ पर वो रूबी रखने वाला है ग्रीन कलर का। हाँ देखा ब्लू कलर का डाला है उसने और ये पेंट भी कर रहा है, वाह यार दिस वाज क्विक। और एक्स के दोनों साइड में घोड़े भी लगाए हुए हैं। तो ये रहा फाइनल डिजाइन, और अब ये कैसे बनाता है वो देखते हैं। भैया फुल प्लानिंग के साथ आए हुए हैं तो अच्छा ही बनाएंगे, तो एक्चुअली सोने का बना रहा है वाह। और ये सोने को यहाँ पर मेल्ट करने के लिए डालने वाला है एक सिरेमिक से पॉट के। ओ अच्छा ऐसा गैस है, मेरे को लगा तू बड़े वाले गैस में डालेगा, बट ये भी सही है। ये क्या है मिक्सिंग करता है, सोने में मिक्सिंग हो रहा है देखो गाइस। और ये सोना पिघल चुका है, वाह दैट वाज क्विक। और फुल एक मस्त छोटा सा बुलबुला बन चुका है और उसका बुलबुले का उसने पेड़ा बना दिया है। अब खाओ ये सोने का पेड़ा। तो इस मशीन से सोने को दबा दबा के पतला किया जाता है। और अब ये एक्स का, अच्छा एक्स का उसने प्रिंट आउट लिया था और उस प्रिंट आउट को वो कट कर रहा है इधर, और वो कट करके सोने के ऊपर डाल रहा है। ओ उसने एक छोटा सा हैक्सो ब्लेड निकाला और अभी उसको काटने वाला है। इसको काटने के लिए क्या स्किल चाहिए ना, एकदम परफेक्ट शेप पे काटा है यार। मेल्टिंग प्योर सिल्वर फॉर ऑर्नामेंट, ओके तो चांदी को मेल्ट किया गया यहाँ पर। और ये रहा चांदी का पेड़ा, और चांदी का वो रॉड बनाने वाला है। अच्छा अच्छा नहीं चपटा किया उसने, मस्त फुल चपटा होके ब्लेड आ चुका है इसके पर शायद से। अच्छा वो घोड़े बना रहा है। अरे ये छोटी सी ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर रहा है वो, और उस खड्डे के अंदर ये ब्लेड डालेगा। अच्छा ताकि बाहर का पार्ट कट ना हो जाए, सिर्फ अंदर का काटना है, इसलिए उसने ऐसा किया है। ओ भाई क्या कट किया यार इसने, ये देख के मुझे हगी वगी का याद आ गया। मैंने जो पिछले वीडियो में माइनक्राफ्ट का हगी वगी देखा था वो बहुत फनी दिख रहा था, मैं इधर लिंक कर दूंगा जाके देख लो उसको, बहुत कॉमेडी दिखता है। और एक बार सिल्वर प्लेट लेके आया और इससे शायद से वो हैंडल बनाने वाला है, एकदम छोटा सा क्यूट सा हैंडल बनेगा। ओ अच्छा तो एक्चुअली गोल करके हैंडल बना रहा है ठीक है। ओ ये क्या खड्डे वाली मशीन, ये क्या करने वाला है।
ओ अच्छा, ये पतला करता है उसको। तो हम जो ज्वेलरी पहनते हैं ना, वो भी कुछ ऐसा ही बनता है सिमिलरली। इसको फिर से काटेगा। नाइस। ओके, दैट वाज क्रूएल। अब भाई क्या क्यूट दिख रहा है यार, छोटे छोटे। अगर ये ऑनलाइन बेचता होगा ना तो मैं खरीद लूंगा यार, सच में। ये मुझे बहुत पसंद आया हुआ है। भाई जला क्यों रहा है तू उसको? अच्छा, वो पेपर हटाने के लिए, ग्लू से चिपकाया हुआ है ना, इसीलिए। हाँ भाई, ये क्या है यार? और वो पाउडर भी ऐसा है कि मेल्ट हो जा रहा है। फुल साफ सफाई चालू है इधर, सोने की मस्त। ओ अच्छा, ग्लू से चिपका रहा है। ओ दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। दो घोड़े दोनों साइड पे चिपका दिए है और बीच में हैंडल चिपका रहा है, और हैंडल भी चिपक चुका है भाई। वाओ, अब ये एक्स की धार बना रहा है। एकदम मस्त वाली धार बनाना भाई। अरे असली के धार नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो कट जाएगा तुम्हारा उंगली। ओके, फिर से ड्रिल मशीन लिया हुआ है। और एक घोड़े को शेप कर रहा है यहाँ पर, घोड़े के बाल बना रहा है। और एक घोड़े की आंख बन गई, घोड़े का मुंह बन गया। और ये हमारा घोड़ा हो चुका है भाई, क्या मस्त दिख रहा है। फुल पॉलिश कर दिया उसने। अब ये हैंडल को काट रहा है यहाँ पर, घिस घिस के पूरा पेपर निकाल दिया और फुल पॉलिश भी कर दिया। तो यहाँ पर फिर से उसने सिल्वर पिघलाया हुआ है और उस गोल्ड को पाइप में बना रहा है। उस मशीन ने इतने से टुकड़े को इतना लंबा कर दिया, और इस छोटे से पार्ट के अंदर वो एक रूबी चिपकाने वाला था, शायद से वो एंड में चिपकाएगा। ओ फुल गरम गरम करके प्लास्टिक के ऊपर रख दिया है। ये है क्या बाय द वे? ये आई थिंक ग्लू होगा शायद, और इस प्लास्टिक के अंदर छेद कर रहा है ये। और अब हैंडल के ऊपर की डिजाइन बनाई जा रही है। अब इन दो पार्ट्स को साथ में जोड़ा जा रहा है भाई। ये तो फुल मिनी तलवार लग रही है, फुल गोल्डन स्वॉर्ड लग रहा है। और अभी इसको भी गरम करेगा। हाँ भाई, वो सोल्डरिंग कर रहा है एक्चुअली चिपकाने के लिए। इस मेन हैंडल को भी एक्स के साथ चिपकाया गया है। ये छोटा पार्ट कब बनाया उसने? अरे पीछे से तो फुल चपटा है। हाँ भाई, इतना भी ज्यादा मेहनत थोड़ी करेगा दोनों बाजू डिजाइन बनाने का। पीछे से पूरा प्लेन रखा हुआ है उसने। अब इस एक्स के धार की पॉलिशिंग की जा रही है, और इस मिनी धार को भी, मिनी तलवार को भी पॉलिश किया जा रहा है। और अब इस हैंडल के साथ ज्वाइन कर दे। ओ परफेक्ट फिट यार, ऑटोमेटिकली फिट हो गया। यही देख के बोल सकता हूँ ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और अब इन दोनों को बीच में वायर डाल के चिपकाने वाला है शायद। ओ भाई साहब, मतलब ये एक्स भी है और ये तलवार भी है, टू इन वन कॉम्बिनेशन है। वाओ। तो यहाँ पर उस तार को एक्स के हैंडल के साथ लॉक किया गया है, और अब ये लॉक खोलेगा। एकदम छोटा सा लॉक है और अंदर से एक तलवार निकलती है। वाओ। तो मैं जो सोच रहा था कि वो तलवार जैसा दिख रहा है, वो सही था। और अब इस लॉक को गर्म करके फुल छोटा बना रहा है, और ये लॉक को एकदम अच्छे से टाइट भी कर दिया है। और ये बॉल से एक गोल वाला खड्डा बना रहा है ये, और उस खड्डे के अंदर वो रूबी डालने वाला है। आहा, फुल ब्लू कलर वाले डायमंड है ये। पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद रूबी बोलते हैं, डायमंड है कुछ तो है। अब बारी आती है पॉलिशिंग करने की। अब देखो ये कैसे चमकाने वाला है पूरे चीज को। फुल ब्रश के साथ घिस रहा है ये, एक नंबर। और हमारा एक्स कम स्वॉर्ड पॉलिश होके आ चुका है, बट ये सेलो टेप क्यों लगा रहा है? और शायद से ये पेंटिंग करने वाला है उसके ऊपर। हम जब गाड़ी पे पेंट करते तो भी हम पेपर सेलो टेप ये सब लगाते हैं। हाँ देखा, आई वॉज राइट, पेंट कर रहा है ये। फुल फुसका फुसका वाला पेंट है, सेलो टेप निकाल रहा है। वाओ क्या मस्त दिख रहा है यार। और ये पॉलिश और पेंट दोनों होके आ चुका है, और अब ये चीज का डेमो देखने वाला है। वो देखो, नीचे से छोटा सा लॉक उसने खोला और अंदर से तलवार निकल के आई। क्या ही ओपी चीज है यार ये, बहुत मस्त है। और छोटा है इसलिए कुछ ज्यादा ही क्यूट दिख रहा है। अब तलवार फिर से अंदर डालेगा। भाई लॉक कर दे, लॉक करना भूल गया तू? नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब ये जो दो स्वॉर्ड दिख रहे हैं ना, इनको एक पुरानी आयरन चेन से बनाया गया है। तो यहाँ पर फुल गुनी में भर के चेन लेके आया है भाई। इतनी जाड़ी चेन, बाप रे। अरे मेरे को लगा वो छोटा चेन रहेगा। ये वही चेन है जो शिप के ऊपर होती है ना, इतनी जाड़ी है वो। इसको काटने में कितना घंटा लगता रहेगा? देखो निकालने के लिए भी हथौड़ा मारना पड़ रहा है, फुल जाड़ा जाड़ा पार्ट। अच्छा, वो पूरा चेन डिसअसेंबल कर रहा है वो, और ये 1.5 इंच का थिकनेस है उसका भाई। और इसको वेल्डिंग कर रहा है। आगे बंद कर लो। नहीं, ये वीडियो में है तो ये देख सकते हैं। और ये एनविल लिया है, और एनविल के ऊपर पानी क्यों डाल रहा है भाई तू? तो यहाँ पर उसने चेन को फुल गरम किया है। अच्छा, तो उसने चेन को रॉड के साथ पकड़ने के लिए वेल्ड किया है। तो यहाँ पर इस चेन को वो खोलने वाला है, पहले खोल के पूरा सीधा करेगा शायद। तो हमारा चेन सी से जे बन चुका है, और अब जे से आई बनने वाला है। आई बन चुका है, फुल हथौड़ा मार मार के सीधा कर रहा है। अच्छा, जिनको नहीं पता, एनविल इसी के लिए यूज होता है, और हम लोग माइनक्राफ्ट में एनविल दूसरों के टकले पे गिराता है। ओ तेरी, दैट वाज अ नाइस शॉट। आहा, फुल सीधा कर दिया भाई, चेन को ठोक ठोक के पूरा स्ट्रेट बना दिया यार। अब इधर से स्वॉर्ड एकदम इजीली बन सकता है। यहाँ पर इसने पेपर कटआउट लिया है पूरे स्वॉर्ड का। ये सब लोग वही करते हैं यार, सब लोग पेपर काटते हैं फिर उसके अंदर ब्लेड लेके काटते हैं। मतलब ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को वो हटाने वाला है शायद से, वो घिस के हटाएगा। यस, वो घिस रहा है। यहाँ पर सैंड पेपर लिया गया है व्हाइट पार्ट को हटाने के लिए, और ये काफी फास्ट हट रहा है बे, या फिर ये टाइम लैप्स होगा। ओ भाई, ये भी सेटिस्फाइंग है यार, एक नंबर। तो ये पूरा आयरन का डस्ट है जो वो साफ कर रहा है। सैंड पेपर से निकल के आयन फुल धूल बन जाता है, और इस स्वॉर्ड के एंड वाले पार्ट को फुल कट कर दे रहा है। बराबर है, उतना पार्ट सैंड पेपर नहीं होगा। अब ये स्केल लेके मार्किंग कर रहा है। भाई ये कैसा स्केल है? भाई लोहे का लोग है इसलिए लोहे का स्केल यूज करता है वो। और यहाँ पर उसने एक क्लैंप लगा दिया है, तो स्वॉर्ड के बीच में जो कट होती है वो मार रहा है शायद। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि स्वॉर्ड थोड़ी स्ट्रांग हो। अब बाकी का जो आयन है वो आप देख सकते हो बहुत ही रफ है, इसलिए एक मशीन यूज करके पूरे आयन को पॉलिश कर रहा है। भाई ये दो दो लोग काम कर रहा है, ये तो दो हाथ में मशीन लेकर काम कर रहा है।
ए भाई ठोक देगा भाई, भाई खतरनाक बंदा है यार ये, अगर दो ब्लेड आपस में टकराए तो फुल सत्यानाश हो जाएगा यार। ए दिवाली आ गई दोस्तों, दिवाली में हम वो लेके घूमते हैं ना फुल जड़ी, और दिवाली भी नजदीक आ रही है। अब जो बचा कुचा पार्ट है उसको फाइल लेके घिस रहा है ये। घिसो भाई घिसो, ये घिसने में ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में किया है ये सब। वो घिसते घिसते पूरा हाथ दुख जाता है। उसकी डिजाइन पूरी बन चुकी है और इसने एक्चुअल में धार बनाई हुई है, और इस धार को वो बाद में शार्प करेगा शायद। एक ब्रिक वाली जाली के अंदर कोयला डाल रहा है, शायद से स्वॉर्ड को गर्म करने के लिए होगा। अब इसके ऊपर वो स्वॉर्ड, अच्छा अंदर ही स्वॉर्ड घुसेड़ दिया। ओह दैट्स नाइस, ये हमारा सस्ता सुंदर फर्नेस बन गया। तो यहाँ पर एक काला कलर का कुछ तो लिक्विड लिया, पता नहीं तार है कि डांबर है कि तेल है। ओ बाहर गिर गया वो एक ड्रॉप। ये भट्टी देखो हमारी, इस भट्टी के अंदर हमारा आयरन स्वॉर्ड पक रहा है भाई, और गर्म होने के बाद उसको निकाला जा रहा है। अब ये क्या करेगा? ओ अच्छा तो कूलिंग लिक्विड था, ओके। क्या आग निकल रहा है, क्या बुलबुले निकल रहा है उसमें से। ये काले काली स्वॉर्ड हमारी बाहर आ गई है। अब ये पॉलिश करने वाला है सैंड पेपर पे। फुल आराम आराम से घिस रहा है बंदा स्वॉर्ड को, क्योंकि ये असली वाली स्वॉर्ड बना रहा है। पिछले जो हमने दो देखे वो मॉडल थे, और असली बनानी है इसलिए ध्यान से बनानी पड़ेगी, राइट। और ये क्या गोल गोल घुमा रहा है भाई, तो ये थ्रेड ऐसे बनते है भाई, मुझे आज पता चला। एक छोटा सा आयन का मोल्ड रहता है, उसको ही गोल गोल घुमा देता है। वाह भाई ये बढ़िया चीज है यार, एक नंबर। हमारे स्वॉर्ड के ऊपर WD-40 छिड़कते हुए स्प्रे क्लीनिंग एजेंट होता है, जिससे कि स्वॉर्ड के ऊपर का सारा रस्ट गायब हो जाएगा। ये देखो काला काला लिक्विड निकल रहा है उसमें से। फुल स्पॉन्ज लेके घिस रहा है बंदा। एक्चुअली ये यहाँ पर दो दो बंदे है, अभी समझ पड़ा मुझे। मस्त स्लो मोशन में घिसाई चालू है भाई। ओ बीच में मैरीगोल्ड डाल दिया। ये रही हमारी पॉलिशिंग मशीन, फुल धागो से भरी हुई मशीन है ये। यहाँ पर ये मोटर स्टार्ट करेगा, मशीन घूमना चालू। और ये सब लोग है ना पॉलिशिंग मशीन पे कुछ तो लगाता है, कुछ तो साबुन टाइप होता है। और इसके ऊपर हमारी स्वॉर्ड की घिसाई चालू हो गई है, और अब स्वॉर्ड को देखना क्या मस्त चमक के निकलेगी। तो ये देखो हमारी स्वॉर्ड निकल चुकी है पॉलिशिंग मशीन में से। वाव क्या ही चमक रहा है भाई, फुल काज बना दिया इसने। हैंडल बनाना बाकी है, वो अभी बनाने वाला है। बट स्वॉर्ड की जो मेन बॉडी है वो फुल तैयार कर दी है। ये रहा गार्ड टेम्पलेट, और ये रहा वैक्स। अच्छा वो वैक्स लगा तो होगा, हाँ अभी याद आया मुझे। ये वैक्स वही है जो आपके कैंडल में होता है, और हम लोग कभी कभी जूते को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसके ऊपर कैंडल घिसते हैं। ओ भाई वैक्स को क्या काटा है यार भाई, इतना सारा वेस्ट करने वाला है वो, मतलब वो किधर और यूज करेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर वैक्स को भी पॉलिश किया गया है। वाव क्या स्मूथ बना है यार। यहाँ पर वैक्स के ऊपर मार्किंग की जा रही है, वैक्स को काटने वाला है आगे, आई डोंट नो, ड्रिल मार रहा है वैक्स में। वाह भाई, अरे वो गोल गोल वैक्स के टुकड़े क्या मस्त निकल रहे हैं ना बाहर। हम लोग पेंसिल शार्पन कर रहे तो भी वैसा ही निकलता है। और यहाँ पर वैक्स को पिघला रहा है भाई, फुल लाल लाल खून जैसा दिख रहा है। आई थिंक ये वैक्स का मोल्ड बनाने वाला है। इधर वैक्स की साफ सफाई चालू है फुल गंदगी करके, और अब ये वैक्स के अंदर डिजाइन बना रहा है। तो ये जो मशीन है इसको लेथ मशीन बोलते हैं, और ये गोल गोल घूमते हैं और इसके ऊपर हम डिजाइन बना सकते हैं। और ये क्या ही सैटिस्फाइंग दिखता है यार, मैंने इसको रियल लाइफ में काम करते हुए देखा है, और ये बहुत मस्त दिखता है मशीन। तो यहाँ पर इसने वैक्स का हैंडल का मोल्ड बना दिया कुछ तो। ए मुर्गा बोला पीछे, फुल देसी बंदा है अपना। और अभी इसने कुछ ब्रास का वेसल लिया हुआ है और उसके अंदर वैक्स को डाल रहा है, और ये कुछ तो पाउडर ले रहा है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? ये कुछ तो सीमेंट टाइप है जिससे कि वो हैंडल बनाने वाला है। फुल कड़क होके मोल्ड बन चुका है, बर्निंग वैक्स। अच्छा जो अंदर का वैक्स है उसको निकालने के लिए गर्म कर रहा है, मोल्ड बचा रह जाएगा लेकिन अंदर का वैक्स पूरा पिघल जाएगा। यहाँ पर इसने ब्रास का एक डब्बा लिया हुआ है। ओह तेरी, फुल गोल्ड कॉइंस लग रहा है यार। ब्रास के बड़े बड़े गुच्छे लेके बैठा है ये, और इस ब्रास को मेल्ट करने के लिए डाला हुआ है। और ये पीछे मुर्गा बहुत मस्त बोल रहा है। गरम गरम ब्रास को मोल्ड के अंदर डालते हुए, अब वो जो ब्रास है वो सूख के फुल कड़क हो चुका है। तो अब मोल्ड को तोड़ने की बारी आई है। तो अंदर से ब्रास निकल के ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा ब्रास है उसको वो काट देगा, ओके, और बाकी के बचे पार्ट को वो पॉलिश कर देगा। तो हमारा हैंडल एक्चुअली तैयार हो चुका है। पहले उसने वैक्स बनाया, फिर वैक्स से सीमेंट का मोल्ड बनाया, फिर उसके बाद में ब्रास का हैंडल बनाया। और ये लिक्विड सूख के कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। अब ये क्लीनिंग एजेंट स्प्रे करेगा और फुल रस्ट निकालेगा, या फिर ये चमका रहा है। हमारा या तो पीतांबरी यूज करके चमकाता है। तो हैंडल यहाँ पर फाइनल स्टेप के लिए आ चुका है, वो है पॉलिशिंग। और तुम पॉलिशिंग का डिफरेंस देखो, ये देखो पीछे का पार्ट कितना रफ है और ये कितना स्मूथ हो चुका है। अरे ये तो नल जैसा दिख रहा है, इसके घर से उठा के लेके आया हुए, और इस नल को वो स्मूथ कर रहा है, ओके। ये हमारा हैंडल का नीचे का पार्ट है जिसको वो पॉलिश कर रहा है। भाई इधर भी फर्क देखो यार, पहले कितना रफ था और बाद में कितना चमकने लग गया। फिर से स्प्रे मार के साफ कर रहा है भाई, ये तो फुल चिकल चिकल हो गया, स्प्रे कुछ ज्यादा मार दिया लगता है। ये हमारे स्वॉर्ड का नीचे वाला पार्ट है जो स्वॉर्ड के सबसे एंड में लगेगा। अब यहाँ पर इसने लिया हुआ है वुड, शायद क्राफ्टिंग टेबल बना रहा है। शिवे भाई, सॉ लेके नहीं पंच मार के तोड़ना होता है वुड को। अब इस वुड के अंदर ड्रिल करने वाला है। ओ भाई इतना स्मूथली अंदर जा रहा है यार ये, एंड में फुल चूहा बन गया हो। ओ तेरे, ये कौन सा मशीन है बे? ये वुड को चपटा करने का मशीन है शायद। अभी वो सैंड पेपर की मशीन के पास गया और वुड को शेप कर रहा है अभी। तो यहाँ पर वुड के हैंडल को लिया भाई, बहुत गंदा आवाज कर रहा है ये, एकदम हाई पिच वॉइस है भाई। वो वुड भी जल रहा है अंदर, इतना गर्म हो रहा है वो ब्लेड। अब इसने एक छोटा सा चिजल लिया है और अंदर के वुड को बाहर निकाल रहा है वो हैंडल के बीच का खड्डा बना रहा है शायद। वो देखो वुड जल चुका है पूरा अंदर से, और ग्लू के ऊपर कुछ चिपकाने वाला लगता है। ओ खुद का लोगो चिपका रहा है, तो लोगो यहाँ पर पॉलिश हो चुके।
क्या हो चुके, क्या बोल रहा हूँ मैं, फुल पॉलिश होके आ चुका है। अब इस हैंडल के ऊपर कुछ और कारीगरी करने वाला है, ये ग्लू डाला हुआ है शायद, अच्छे से स्प्रेड कर रहा है, ये बहुत गंदा दिख रहा है। अच्छा ये लेदर लगा रहा है उसके ऊपर, लगता है हैंडल को सॉफ्ट करने वाला है। भाई तो लोगों को क्या भाई, अब तो डोरी भी घुमा रहा है डोरी की घुमा रहा है, बॉइलिंग वाटर, शायद से वो लेदर को पिघला के चिपकाने के लिए होगा ये, ताकि वो कभी भी ना निकले। अच्छा वो लेदर के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए था, क्रिकेट का बैट होता है ना उसका हैंडल पे भी ऐसा ही डिजाइन होता है, बट उसके ऊपर असली वाला थ्रेड होता है और ये इसने डिजाइन वाला थ्रेड बनाया। भाई साहब क्या मस्त दिख रहा है, ये हैंडल नहीं है ये शायद, हाँ हैंडल ही है, ओके दोनों बाजू खड्डे भी है। अब इनको जोड़ने की बारी आ चुकी है। भाई क्या दिख रहा है यार, वो नल क्या चमक रहा है, ये एक्चुअली ब्रास है लेकिन गोल्ड दिख रहा है ये। भाई ये वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्स है जो मैंने अब तक देखी है। चलो पीछे के पार्ट में सबसे पहले ब्रास डाला, फिर हैंडल का पकड़ने वाला पार्ट डाला, अब ये पीछे ग्लू लगा रहा है नल लगाने के लिए। भाई नल मत बोल यार इसको, फुल एक नंबर स्वॉर्ड है यार, जरा क्लोजअप लिया जाए यहाँ पर। ए धार बनाया नहीं तूने, ये शो के लिए ऐसे ही लटका के रखता है लोग, वैसी वाली तलवार है, बट एक्चुअली अच्छी दिख रही है, नॉट बैड, 45 इंचेस लॉन्ग। ओके जान के मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन जान के अच्छा लगा। ओ यहाँ पर स्वॉर्ड को टेस्ट करने वाला है ये, भाई ये स्वॉर्ड एक्चुअली चलती है, मतलब धार बना है ये क्या उसने, ये तो वो बनाना का पेड़ है शायद, बनाना का पेड़ का ट्रंक है जिसको वो काट रहा है, और वो लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग धार नहीं बनाई है। ओह वाह स्लो मोशन में कटाई, अरे मच्छी ले लिया भाई, ई फुल उड़ा दिया मच्छी को। यहाँ पर इसने दो स्वॉर्ड बनाई है और दूसरे स्वॉर्ड में उसने पीछे नल नहीं डाला है, शायद उसने मुझे सुन लिया कि मैं उसको नल बोल रहा हूँ, इसलिए उसने पीछे वाला पार्टी बदल दिया। बिग थम्स अप भाई, अगर फनी हगे वगे देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करो, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।